नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सूबे में वायरल बुखार के बढ़ते मामलों को लेकर किया गया अलर्ट। कन्हैया कुमार थाम सकते हैं कांग्रेस का हाथ। केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से बिहार को मिले 4 खनन ब्लॉक। NH निर्माण के मामले में पीछे हुआ बिहार। बिहार के ईशान किशन को T20 वर्ल्ड कप में मिली जगह। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। सूबे में वायरल बुखार के बढ़ते मामलों को लेकर किया गया अलर्ट। बिहार में वायरल बुखार के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और ये बुखार बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गई है और सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जिला अस्पतालों और प्राथमिक चिकित्सा अस्पतालों को अलर्ट किया गया है। इन अस्पतालों में बच्चे के इलाज को सबसे पहले करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ विशेषज्ञ डॉक्टरों की 3 टीमों को मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और सीवान भेजा गया है। बताते चले कि में सर्दी, खांसी, न्यूमोनिया से संबंधित कई मामले सामने आए हैं, जिसके बाद सभी जिलों के अस्पतालों में डॉक्टरों को ड्यूटी के दौरान मौजूद रहने की बात कही गई। केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से बिहार को मिले 4 खनन ब्लॉक। बिहार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा सहयोग मिला है। केंद्रीय खान मंत्रालय ने राज्य सरकार को खनन की इजाजत दे दी है, जिसके बाद राज्य में बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलने वाले हैं। केंद्र की तरफ से बिहार को 4 खनन ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। ये ब्लॉक औरंगाबाद, गया और रोहतास जिलों के अंतर्गत है। बताते चले कि औरंगाबाद और गया में पोटाश का भंडार है, तो वहीं रोहतास जिले में क्रोमियम और निकल का भंडार जांच में पाया गया है। यह सौगात मिलने के बाद राज्य के खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने कहा है कि इन चारों ब्लॉकों की नीलामी के लिए जल्द ही कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद रोजगार के अवसर के साथ अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। NH निर्माण के मामले में पीछे हुआ बिहार। बिहार में स्टेट हाईवे की स्थिति सुधरी है, मगर नेशनल हाईवे के निर्माण के मामले में यह यूपी, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों से काफी पीछे है। केंद्र सरकार की तरफ से खर्च करने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है और इस साल भी 15,000 करोड़ से ज्यादा रुपए NH निर्माण के लिए खर्च किए जा रहे हैं। बावजूद इसके साल 2005 के मुकाबले इस वक्त NH निर्माण की भागीदारी 1.4% घट गई है। हाईवे के लिए जमीन का अधिग्रहण और एजेंसी का भाग जाना भी परेशानी का कारण बना है। 2005 में जहां देश में 65,569 किलोमीटर NH था, तो उस समय बिहार में 3,537 किलोमीटर NH बना था। वहीं अब देश में 1,32,000 किलोमीटर से अधिक NH का निर्माण हो चुका है, तो वहीं बिहार में अभी 5,475 किलोमीटर NH ही बना है। बाढ़ से उपजी स्थितियों को लेकर CM ने की समीक्षा बैठक। राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ का पानी फैला हुआ है। बारिश कम होने की वजह से पानी का स्तर भी बढ़ना कम हुआ है, जिससे थोड़ी राहत मिली है। इन स्थितियों को लेकर बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए। CM ने अधिकारियों से किसानों की फसल क्षति का आकलन करके उन्हें सहायता उपलब्ध कराने और जहां जहां बाढ़ के कारण फसल नहीं लग सके, उन जगहों के किसानों को भी उचित सहायता देने का निर्देश दिया है। साथ ही साथ पशु क्षति का आकलन करके पशुपालकों को भी मुआवजा दिया जाएगा। यह आकलन पंचायतवार किया जाएगा। बिहार में कोरोना के एक्टिव मामलों में हुआ थोड़ा इजाफा। राज्य में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से उतार चढ़ाव जारी है। जहां 2 दिन पहले एक्टिव मामले 50 के करीब थे, तो वहीं ताजा एक्टिव मामले में थोड़ी सी फिर से बढ़त हुई है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते दिन के पिछले 24 घंटे के दौरान 19 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके तहत पटना में सबसे अधिक 7 मामले मिले हैं। वहीं जहानाबाद से 3, समस्तीपुर, लखीसराय, मधुबनी और भोजपुर से 2-2 और पूर्णिया से 1 नए मरीज की पुष्टि हुई है। इस दौरान 8 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद राज्यभर में एक्टिव मरीजों की संख्या 64 हो गई है। नीट 2021 परीक्षा के लिए पटना में रहेगी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से आयोजित नीट प्रवेश परीक्षा को लेकर राजधानी पटना समेत बिहार के अन्य सेंटरों में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर लिया गया है। इसके तहत NTA ने राज्य में 4 सिटी कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए हैं, जिनमें केंद्रीय विद्यालय खगौल व केंद्रीय विद्यालय दानापुर के प्राचार्य के साथ साथ 2 निजी स्कूलों के प्राचार्य को NTA ने सिटी कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। बताते चले कि पूरे देश में 202 शहरों के 3,862 केंद्र पर 12 सितंबर को नीट का आयोजन होना है, तो वहीं बिहार में इस बार नीट के करीब 60,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। इसके लिए पटना जिले में 126 केंद्र बनाए गए हैं। कोरोना को देखते हुए केंद्रों की संख्या में इजाफा किया गया है।
राष्ट्रपति को बरसी का निमंत्रण देने दिल्ली पहुंचे चिराग पासवान। स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहली बरसी के लिए महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को निमंत्रण देने के लिए लोजपा सांसद चिराग पासवान दिल्ली पहुंचे हैं। राष्ट्रपति से मुलाकात का समय मिलने के बाद चिराग अपने पिता की पहली बरसी जो कि 12 सितंबर को पटना के एसके पुरी आवास पर मनाई जाएगी, वहां शामिल होने का आग्रह करेंगे। बताते चले कि इस कार्यक्रम को चिराग पासवान बड़े स्तर पर मनाने जा रहे हैं, जिसमें वे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के साथ ही मंत्रिमंडल के अन्य नेताओं को भी आमंत्रित कर रहे हैं। राजद नेताओं को दिया जाएगा 2 दिवसीय प्रशिक्षण। राष्ट्रीय जनता दल में कलह के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा संगठन की मजबूती को लेकर बैठकें की जा रही है। इस बीच बीते दिन भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राबड़ी देवी के सरकारी आवास में बैठक आयोजित की थी, जिसमें पार्टी की मजबूती के लिए सभी पदाधिकारियों को लोगों के साथ संपर्क बढ़ाने और बूथ लेवल पर मजबूत करने का निर्देश दिया। साथ ही तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट के उपचुनाव को लेकर अभी से चुनाव प्रचार भी जुटने को कहा गया। वहीं राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के लिए अलग अलग प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिसके तहत 21-22 सितंबर को 2 दिवसीय दक्षिण बिहार के जिलों के नेताओं को ट्रेनिंग दिया जाएगा। इस शिविर में राजद के जिलाध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, जिला प्रधान, महासचिव, महानगर अध्यक्ष भाग लेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत एक दिन के लिए पहुंचे पटना। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत अपने 1 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे, जहां आज वे पटना पहुंचे, जहां उन्होंने राजेंद्र नगर क्षेत्र स्थित विजय निकेतन में संघ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान आयोजित बैठक में बिहार में संघ के कार्यविधियों का उन्होंने जायजा लिया, तो वहीं कार्यकर्ताओं के बीच खासा उत्साह देखा गया। अब कल शुक्रवार को वे झारखंड में 3 दिवसीय प्रवास पर चले जाएंगे, जहां वे सभी मंडलों और बस्तियों में 2024 तक संघ की योजना और कामों को पहुंचाने के लिए अधिकारीगण के साथ बैठक करेंगे। वही बताया तो ये भी जा रहा है कि रविवार को धनबाद में उनका एक संबोधन कार्यक्रम भी आयोजित होगा। कन्हैया कुमार थाम सकते हैं कांग्रेस का हाथ। जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार के बिहार कांग्रेस में शामिल होने को लेकर चर्चा तेज बनी हुई है और सियासी गलियारे में चर्चा बनी है कि कन्हैया कुमार सीपीआई को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। बताया जा रहा है कि इसके लिए लगातार कन्हैया कुमार और कांग्रेस आलाकमान के बीच बातचीत चल रही है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक कन्हैया कुमार लगातार पार्टी नेताओं के संपर्क में हैं और उनकी बातचीत राहुल गांधी से भी चल रही है। बता दें कि इससे पहले भी जेएनयू छात्र संघ के 2 पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष संदीप सिंह वर्तमान में प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार हैं, जबकि मोहित पांडे को यूपी कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग का अध्यक्ष बनाया गया है। दिवंगत रघुवंश प्रसाद सिंह की बरसी पर तेजस्वी को याद आई पुरानी मांग। राजद के वरिष्ठ नेता और मनरेगा मैन स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह की पहली बरसी 13 सितंबर को होने वाली है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को फिर से पुरानी मांगे याद आ गई है, जिसे पूरा करवाने को लेकर उन्होंने फिर से चर्चा की। दरअसल तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार से जो 3 मांग की है, उनमें रघुवंश प्रसाद की आखिरी चिट्ठी में की गई मांग को पूरा करने, रामविलास पासवान और रघुवंश प्रसाद की पुण्यतिथि और जयंती को राजकीय कार्यक्रम का हिस्सा बनाने और इसके साथ ही दोनों नेताओं की पटना में प्रतिमा स्थापित करने की मांग की। बताते चले कि स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपनी अंतिम चिट्ठी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखा था कि वे 26 जनवरी 2021 को दुनिया के पहले गणतंत्र वैशाली में राष्ट्र ध्वज फहराएं। यूपी चुनाव से पहले मुकेश सहनी को सताया जान का खतरा। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बिहार के पशुपालन मंत्री और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी बिना किसी गठबंधन के चुनाव में उतरने वाले हैं, लेकिन अब उन्हें अपनी जान का खतरा भी सताने लगा है, जिसके बाद अब वीआईपी की तरफ से मुकेश सहनी के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और यूपी के सीएम को पत्र लिखकर सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग करने की बात कही गई है। दरअसल विकासशील इंसान पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि चुनाव को लेकर एक स्टिंग वीडियो सामने आया है, जिसमें एक क्रिमिनल माइंडेड नेता की हत्या की योजना बनाते दिख रहे हैं। इस वीडियो में यह सुना जा रहा है कि वीआईपी के कुछ कार्यकर्ता मारे जाएंगे और उनके साथ ही उनकी राजनीति भी खत्म हो जाएगी, जिसके बाद पार्टी ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। पशुपति पारस को पिता की बरसी का निमंत्रण देने पहुंचे चिराग पासवान। लोजपा नेताओं पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच राजनीतिक लड़ाई चल रही है, हालांकि अब आने वाले दिनों में पारिवारिक मेल देखने को मिल सकता है। दरअसल लोजपा के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान की बरसी का निमंत्रण देने के लिए बीते दिन चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के लोजपा दफ्तर के पीछे के आवास पर पहुंचे, जहां वे अपने पिता और उनके भाई स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहली बरसी का आमंत्रण देने पहुंचे थे, जो कि 12 सितंबर को होने वाली है। हालांकि वह चाचा पारस से चिराग पासवान की मुलाकात नहीं हो सकी। पशुपति पारस उस वक्त कैबिनेट की बैठक में शामिल होने गए थे, जिसके बाद वहां मौजूद उनके दामाद को कार्ड दे दिया गया और वहां से कुछ मिनटों में चिराग पासवान निकल पड़े।
ललन सिंह ने जदयू के विभिन्न प्रकोष्ठों की समीक्षा की। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आज पार्टी के बिहार इकाई की समीक्षा की, जिसमें बिहार के सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष को पार्टी कार्यालय बुलाया गया। बैठक से पहले प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि जो जिम्मेवारी सभी प्रकोष्ठ के लोगों को दी गई है उसे परखा जाएगा, फिर आगे तय किया जाएगा कि क्या करना है। जानकारी के मुताबिक बैठक में ललन सिंह पार्टी पदाधिकारियों से कई मुद्दों पर चर्चा भी कर सकते हैं, जिनमें संगठन के विस्तार का मामला भी शामिल है। आज की समीक्षा बैठक में जदयू के सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी शामिल रहे। बिहार के ईशान किशन को T20 वर्ल्ड कप में मिली जगह। ICC की T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है और इस टीम में बिहार के लाल ईशान किशन को भी मौका दिया गया है। पटना में जन्मे ईशान किशन अब अंतर्राष्ट्रीय T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में अपनी डेब्यू करेंगे। बताते चले कि इस बार टीम में कई खिलाड़ियों के नाम आने से फैंस को सरप्राइज मिला है। भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को 4 सालों के बाद सीमित ओवरों वाले मैच में जगह मिली है, तो वहीं पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को भी इस टीम का हिस्सा बनाया गया है। धोनी टीम इंडिया में मेंटर के तौर पर शामिल किए गए हैं। इस घोषणा के बाद से ही अब T20 वर्ल्ड कप का धमाकेदार आगाज की चर्चा फैंस करने लगे हैं। बताते चले कि 17 अक्टूबर से वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार धोनी को T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का मेंटर बनाने से टीम के प्रदर्शन पर कितना असर पड़ेगा। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।